कभी हम शायरों की हौसला जाहिर करते हैं उदी मान कभी हम का उत्साह वर्धन तो कोई मानिका का सहाय पांडे जी से सीखे मृदुभाषी मिलनसार और साहित्य प्रेमी आदरणीय पांडे जी ने अपने व्यवहार और धनी व्यक्तित्व के विनम्र पर उसके आधार पर लोकप्रियता की एक अलग ऊंचाई हासिल की है। मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि लोकार्पण के इस अवसर पर अपने उद्गार से हम सबको लाभान्वित करें आदरणीय श्री गंगा साहेब पांडे जी। सभागार में उपस्थित साहित्यकार बंधुओं, डॉक्टर साहब ने जब हमें बताया कि वे इस पुस्तक का लोकार्पण करने जा रहे हैं तो हमें अति प्रसन्नता हुई। प्रत्येक शनिवार को हमारी उनसे मुलाकात हमारे कार्यालय में होती है। एक अच्छे शायर और कवि के साथ हिंदी मुस्लिम एकता के वे प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। काफी लोग जितने हिंदू भाई उनके मित्र हैं उससे ज्यादा मुस्लिम भाइयों में भी उनकी लोकप्रियता है। हमारे बहुत ही पुराने बचपन के आनंद जी ने तमाम बातें बताई क्योंकि हम कोई साहित्यकार नहीं है, हमें लिखना पढ़ना आता नहीं है, ना हम कविताएं लिख सकते हैं ना गजल लिख सकते हैं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य रहा कि जो नई पीढ़ी है, जो नए रचनाकार हैं, जो लिखना पढ़ना शुरू किए हैं उनका हम उत्साह वर्धन करें और उसमें हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित भोलानाथ त्रिपाठी जी थे और हमारे परम सहयोगी सिद्धनाथ शर्मा जी थे, जिन्होंने इतने वर्षों तक 270वीं कवि गोष्ठी हमारी हुई, इतने वर्ष तक इस काम को यह हम अपने वरिष्ठ रचनाकारों से भी अनुरोध करेंगे जो नए लोग हैं उनके उत्साह वर्धन का कार्य करें। नहीं तो जिस तरह से बनारस में गायकी है, वादन है, नृत्य है, यहाँ का कथक, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। कई बार हमने पत्र भी लिखा, मांग किया, क्योंकि हम किसी ऐसे पद पर नहीं कि बनारस में एक संगीत एकेडमी बने जिसमें उनको सिखाया गया। आप देखते हैं कि हम कई बार यहाँ के जो संस्कृति विभाग के अधिकारी हैं उनसे हम कहे कि आप संगीतकारों को तो ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, लेकिन कभी सम्मेलन आयोजित नहीं करते, उस मद में भी पैसा आपको मिलता है। किसी जिसका जुगाड़ है उसको तेरह धातु मिल जाता है, जो वास्तव में लिखते पढ़ते हैं उनको उनका कोई उत्साहार नहीं। आदमी एक बार खाली विधायक हो जाए तो जीवन भर निःशुल्क यात्रा, निःशुल्क चिकित्सा, आवास की व्यवस्था, सारी सुख सुविधा सरकार देती है, लेकिन एक साहित्यकार बुजुर्ग हो जाए जब कुछ लिख पढ़ नहीं पाता तो उसके लिए कोई सरकार कोई उपाय नहीं करती। आप सभी से हम कहेंगे कि आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों के लिए ध्यान करना है साहित्य जगत को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोग भी इस तरह की मांग अपने माध्यम से लोगों से करें ताकि साहित्यकार भी इस जगत में, इस दुनिया में इसी तरह से आगे बढ़े। धन्यवाद।